जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अब तक अवेलेबल हो चुके हैं। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की। मतलब मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज दैट इज़ फंडा ऑफ पार्टनरशिप। क्यों पार्टनरशिप आई, क्या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस होता है और इसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। बहुत आराम आराम से हम बातों को समझेंगे ताकि हमारी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं। गाइस, सबसे पहली बात समझना, आपने जो क्लास 11th में अकाउंटिंग पढ़ रखी है उसमें ओनर एक होता था, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग। आज गाइस ओनर एक से बढ़कर हो जाएंगे, दो या दो से भी अधिक। वो जो क्या थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं, 10 पार्टनर हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, वो सारी बातें मैं आपको एक सिंगल थ्योरी लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मैं आज प्रैक्टिकल फोकस कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन कैसे इजी से इजी मैनर में कर पाते हैं। टू ओनर्स और मोर, मतलब दो या दो से अधिक ओनर होने चाहिए, उनका अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, दैट इज 2:1, 1:2, 3:2। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें ये बात पता नहीं चल पाएगी कि पार्टनर ओनर दो हैं तो इस बंदे ने 1,00,000 दिया और इस बंदे ने 2,00,000 लगाए बिजनेस में। ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो आप एक सीक्वेंस में याद कर लेते हो बट बैकग्राउंड नहीं पता चलता। व्हाई दीज थिंग्स आर नीडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब सर, क्लास 11th में आपने कभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, आप पता है क्या करते थे, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में आप कैपिटल उठाते थे, प्लस करते थे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करते थे बच्चे इसमें से ड्राइंग्स, प्लस कर लेते थे इसमें प्रॉफिट, माइनस कर लेते थे इसमें से लॉस, कुछ इस तरीके की अकाउंटिंग करते थे आप। यहाँ आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर आप ये नहीं बताओगे तो ए और बी आपस में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि हमारा पैसा कितना हमने लगाया था और कितनी बचत होकर हमारा कितना क्लोजिंग बैलेंस बैठ रहा है। मतलब सिंपली ये क्वेश्चन आपको बताता है कि भाई तुम कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हो, ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी, एक को कमीशन मिलेगा, कुछ इस वजह से। क्योंकि दोस्त, जब हम एक से दो हो जाते हैं तो एक से दो भले, ये बात तो सही है, पर एक से दो जब भले होते हैं तो एक से दो बड़े भी होते हैं। बड़े मतलब आज तक जो वो अकेला खाता था अब वो बांट कर खाएगा, आज तक वो जो अकेला खाता था वो हो सकता है आधा आधा खाएगा, आज तक वो जो अकेला खाता था हो सकता है वो अब डिफरेंट रेशियोज में शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, स्टार लगा के, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको मैं सारी अंडरस्टैंडिंग दूंगा जो आपको ज़रूरत पड़ती है, आपकी कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाएगी और आपकी पढ़ाई में थोड़ा मज़ा दिलाएगी। अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, भाई प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें एक अकाउंट सेपरेटली बनाना पड़ता है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइज, एक बात बताऊँ आपको यार, ये सिंगल था पहले, सिंगल मतलब सोल प्रॉपर्टर था क्लास 11 से, यहाँ बंदे एक से दो हो गए बिजनेस करने वाले, मिनिमम दो और मैक्सिमम 50, मिनिमम दो तो हो ही गए हैं, मतलब ये दो हुए हैं। आपस में इनमें झगड़ा ना हो, आपस में दोनों को जानना है किसको कितना पैसा मिल रहा है और कौन कितना पैसा लगा कर बैठा है, इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स बना रहे हैं, इसलिए अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। नहीं तो रूल्स सारे वही हैं, बातें सारी वही हैं। चलिए दोस्त, अकाउंट्स एक और मेंटेन कौन सा करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आपने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, एक और अकाउंट, एक और छोटा भाई आ जाएगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या होता है, कैसा होता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना बड़ा है, क्या हाइट है, सारी बातें जानेंगे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, और 60 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, उन 60 क्वेश्चनों में भी ये बातें जाननी है, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त, सबसे दमदार बात जो आपको जाननी है, जिस पर पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग टिकी हुई है एक तरीके से, वो आपको ये जाननी है बेटा कि जिंदगी भर इस बात की लड़ाई है, 1 मार्क से लेकर 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज पर आता है कि सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। तो जान लो मेरी बात बेटा, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा ना, ये पिछले साल तुमने भर भर के पढ़ा, भर भर के पढ़ा, इतना पढ़ा कि मैं चाहूं भी, तुम चाहो भी तो भी नहीं भूल सकते इसको। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पता है क्या है, हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सी बात है, हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में ये भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीजें दिखती हैं हमको, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, इवन ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है कहानी? मतलब जो क्लास 11th में तुमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के नाम से चैप्टर, वो सब बेटा क्या था, वहां वर्ड नहीं बोला किसी भैया ने, किसी भाभी ने, किसी टीचर ने कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। हमें यहां पर इसके बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, हमारा पूरा फोकस तो अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन पर रहेगा, क्योंकि एक मार्क्स से लेकर, एक मार्क्स से लेकर आठ मार्क्स तक का क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन है, और अप्रोप्रिएशन के लिए हमें चार्ज की नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कोई चीज अप्रोप्रिएशन हो, हम उसे चार्ज की नजर से देख रहे हो सकता है कोई चीज चार्ज हो, हम उसे अप्रोप्रिएशन की नजर से देख रहे हैं। मतलब झोल झपाटा जो भी होगा, सारी बातें डिस्कस होंगी कॉन्सेप्ट नंबर वन में। तो सुनो मेरी बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मैं पहचान बताता हूँ भाई। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम चश्मे बदल बदल कर पहन लो, तुम आंखें छुपा छुपा कर देखो, तुम बदल बदल की एंगल बना बना कर देखो, ये तुम्हें हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। तो मतलब चार्ज गया पी एंड एल में तो अप्रोप्रिएशन दिखेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बड़ा भाई है, 11th में आया था, ये छोटा भाई बाद में आया है, बट होशियार बहुत है, 12th में आया है। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रही है कहानी? एक और बात कर ले रहे हैं भाई साहब इससे रिलेटेड, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ क्लास 11 सिलेबस, जितने तुमने पढ़ रखे हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, परचेज हो, कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, वो सारी बातें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। अब बात सुनना यहां के लिए सर, अगर ये सारी बातें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? तो सुन लो मेरी बात बेटा, सुन लो मेरी बात बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल भी, सुन लो मेरी बात। कोई भी पेमेंट अगर हम अपने पार्टनर को देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी पेमेंट किसी भी तरीके से अगर हम अपने पार्टनर को देते हैं, वो अप्रोप्रिएशन है। इतना सरल सर, मतलब बाहरी आदमी, भारी मतलब वजन वाला नहीं, बाहरी मतलब बेटा बाहर का, ना भारी है ये और ना बिहारी है ये बाहर ही है, मतलब बाहर का आदमी, आउटसाइडर, अगर तुम इसको दोगे तो चार्ज बनेगा, और अगर अपने लोगों को दोगे, अपना मतलब ऐप है, अपना मतलब ऐप है, ऐप मतलब अप्रोप्रिएशन है। हर वो पेमेंट जो पार्टनर को दिया जाए, कुछ डायलॉग की तरह याद कर दें, हर वो पेमेंट जो पार्टनर को दिया जाए अप्रोप्रिएशन कहलाता है। पेमेंट मेड टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन। बट सुनो, अगर ये इतना सरल होता तो 12th में क्यों आता? थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, सुन लो मेरी बात, ये ट्विस्ट आपको बार बार, हर बार, हर तरीके से मैंने कराने की कोशिश करी है, 60 क्वेश्चन में भी इसका खूब जिक्र किया है मैंने, बट आज आपको यहाँ याद करना ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी सुनना क्या है बेटा, हर वो पेमेंट जो पार्टनर को दिया जाए अप्रोप्रिएशन कहलाता है। इन दो को छोड़कर इंटरेस्ट अगर होगी पार्टनर्स लोन पर, फर्म को जरूरत थी पैसे की, पार्टनर से बोला घर से पैसे लाओ, पार्टनर बोला कैपिटल लाया तो और कितनी लाऊं, नहीं थोड़ा पैसा और लिया लोन की तरह, उन्हें लोन तो इंटरेस्ट लगेगी, उन्होंने कहा ठीक है ले लेना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो पी एंड एल में जाएगा या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? सर पी एंड एल में जाएगा, अभी तो बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हर हाल में पी एंड एल अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ क्लास 11th सिलेबस प्लस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। गाइज रीजन क्या हो सकते हैं चार्ज मानने के? कोई भी ऐसी चीज, मैं अभी बोला कि हर पार्टनर को पेमेंट करने वाली चीज अप्रोप्रिएशन, फिर इन दो को बाहर क्यों निकाला? बेटा सुनना, अप्रोप्रिएशन का मतलब सिंपली बताया क्या होता है, अप्रोप्रिएशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल समझाऊँ, जस्ट लाइक मेरे पास ये बिस्किट्स हैं, ठीक है, 2-3-4 पैकेट जितने भी हैं,
मैं मेरे पास है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बट अगर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा? पार्टनर्स की कहानी कुछ इसी तरीके से होती है, मतलब प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो रेशियोज में 2:1 में, चाहे वो इक्वली डेढ़ डेढ़, मतलब बात समझ में आ रही है। पर चार्ज ऐसा नहीं होता, चार्ज बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसकी तरह हूँ, बैटरी लो हो गई है, इन्वर्टर पर लगाओ, पड़ोसी के घर लगाओ, चार्ज करके देना है मुझे, मतलब आप पर नहीं है, कहीं और से लाओ। तो बेटा ये दो चीज़ें उसी तरीके से, क्योंकि बेटा यहाँ पार्टनर बाहर ही आउटसाइडर की तरह ट्रीट करता है कि यार लोन अगर मैं नहीं लाऊंगा तो तुम बाहर से लोगे, ज़मीन अगर मेरी नहीं होगी तो रेंट तुम बाहर को दोगे, मतलब बेटा ये दोनों चीज़ें आउटसाइडर की तरह ट्रीट होती है। मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है, वापस बोलेंगे, पार्टनर को देने वाली हर चीज़ एप्रोप्रिएशन है, किन दो को छोड़कर, किन दो को छोड़कर बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर। सर इतना क्यों बेटा, 8 मार्क का क्वेश्चन इसी से सही इसी से गलत होता है, इसलिए इतनी बार करा रहा हूँ। ये दो चीज़ें चार्ज होती है, बाकी सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन होती है। सर अगर पार्टनर की सैलरी होगी तो अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कमीशन होगा तो अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट होगा बेटा लोगों अप्रोप्रिएशन। अभी सारी बातें डिस्कस करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं, आराम आराम चलेंगे, अपने 10 मिनट दे चुके हम सिंपल एक बात पर कि झगड़ा चार्ज है प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन में, कौन कैसे जीतेगा इस पर्टिकुलर पेज से आप सारी बातें समझ जाएंगे। जिन बच्चों को ने क्वेश्चन नहीं किए उनको धीरे धीरे आएगा, जिन्होंने क्वेश्चंस करने के बाद ये वीडियो देखेंगे उनको तो बेस्ट आ रहा होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये क्या चीज़ होती है बेटा, मैंने बोला एक से भले दो पर एक से बुरे भी हो जाते हैं, तो अगर दोनों के बीच में रिश्ते दिल के हैं, दोनों से मिल के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बातें बातों में भी हो जाएंगी। बट अगर रिश्ते थोड़े से दिक्कत करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक चीज़ होनी चाहिए, एग्रीमेंट। भाई किस बात पर तुम एग्री हुए थे, क्या तुमने एग्रीमेंट में लिखा है कि ये बंदा 1 लाख लगाएगा और तुम 2 लाख लगाओगे, क्या तुमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से जाएगी, ये सारी बातें बेटा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम चलेंगे कि पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट है वो तो होता ही होता है, एग्रीमेंट तो ज़रूरी है। फिर आती है बात पार्टनरशिप डीड की, ये क्या होता है बेटा, रजिस्टर्ड करा लेते हो आप। डीड में क्या होता है, अगर आपके पास डीड है तो उसके हिसाब से चलेंगे, अगर डीड में लिखा है सैलरी देनी है तो दोगे, डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे तो दोगे, इंटरेस्ट ड्राइंग्स लिखा है तो करोगे, और डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है इक्वली बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हर एक छोटे से बड़े बच्चे को, बैक सीट वाले बच्चे को भी याद हो जाता है, 6% पर एनम से देनी है। इन सारी बातों की डिस्कशन बेटा एक एक पॉइंट लेकर करूंगा, मैं सारी बातों से कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आपको, एक ही कॉन्सेप्ट में सब पढ़ा दूं, ओवरव्यू देता जा रहा हूं हर चीज़ का। मेरा जो मेन क्रक्स है बेसिक नॉलेज फंडा ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या थी, क्यों आई, कैसे थी और पूरी कहानी क्या है, दो ओनर हैं, दो या दो से ज़्यादा, इस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। क्या मैं दो नए अकाउंट बनाना सीखने हैं, फर्स्ट इस P&L अप्रोप्रिएशन जिसमें सारी कौन सी चीज़ जाएंगी, अप्रोप्रिएशन जिसमें कभी आपको रेंट नहीं दिखेगा पार्टनर को, कभी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखेगी, बिकॉज दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमेशा P&L में जाएंगी ही जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट पेज अगेन सेम बात बोलना है, सर रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अ पार्टनर, ये सब P&L में जाएगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अभी पढ़ के आए सर, इसमें क्या था, क्यों लिखा आपने डबल, बेटा मुझे याद रखना था ना तुम्हें एक एक पॉइंट बार बार, ठीक है, ये सब P&L में जाएगा, कौन सा बेटा, रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट लोन। इस समय पार्टनर को तो हम देख रहे हैं बाहरी की तरह सोच रहे हैं, आउटसाइडर की तरह, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, ये सब P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा क्योंकि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। 3 मार्क का भी अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो अभी और लिखना बाकी है, हम और चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा कहाँ जाता है, इसका घर कौन सा होता है, P&L, अप्रोप्रिएशन का घर कौन सा होता है, P&L अप्रोप्रिएशन। चलिए नेक्स्ट हैश पॉइंट है बेटा, एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर, मैं वैसे बता चुका हूँ, एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है, सिर्फ किन को छोड़कर, रेंट और इंटरेस्ट। सर इतनी बार लिखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेमेंट जो पार्टनर को दिए जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको आ गया तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे मैंने कुछ नई बातें करने वाला हूँ, जो भी पेमेंट पार्टनर को दिए जाएंगे वो अप्रोप्रिएशन है, सिर्फ इन दो को छोड़कर, दैट इज रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अ पार्टनर। ठीक है, ये बात याद होनी आनी चाहिए, ये भी लिख दिया मैंने, इतनी बार कराई तो हो गई होगी। नेक्स्ट चीज, क्योंकि बेसिक फंडा चल रहा है तो हम कुछ नई बातें भी सीख लें, आज तक बेटा हमने सीखा था कि कैपिटल कैपिटल होती है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, पर भाई जब से आप प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कूदे हो, हर चीज़ों को देखने के नज़रिए कुछ दो हो गए हैं भाई, ओनर हो गए दो, प्रॉफिट भी बढ़ हो गया दो तरीके का, एक चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी दो तरीके के, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक अप्रोप्रिएशन, तो बेटा कैपिटल भी दो नज़रियों से देखी जाएगी। नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल कैसी बातें करती है, पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या, अच्छा है या बुरा है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक फ्लक्चुएटिंग है। 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
कि अगर फिक्स्ड कैपिटल का होगा तो कितने अकाउंट बनाए जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग का होगा तो कितने अकाउंट बनाए जाएंगे, फिक्स्ड होगा तो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा, सारी थ्योरी क्वेश्चन में एक बार में डील करूंगा। यहाँ मुझे जो सिखाना है वो ये है कि सर पार्टनर्स कैपिटल के दो नेचर होते हैं, फिक्स्ड आपको खुद बताएगा, खुद बताएगा तो दो अकाउंट बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे। बच्चे क्या होता है, कहाँ पर गलती होती है, फिक्स्ड वर्ड सोचते हैं फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड हिलेगा ही नहीं, अलग ही नहीं होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा। ऐसा नहीं है बेटा, फिक्स्ड में दो अकाउंट, फिक्स्ड में दो अकाउंट, फिक्स्ड में दो अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट। कुछ नहीं लिखा होगा तो आप क्लास 11 की तरह इसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ कैपिटल एज्यूम कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। एक अकाउंट बनेगा बस, एक अकाउंट बनेगा बस, वो कौन सा होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स का एक ही, ए बी सी, मैक्सिमम तीन या चार पार्टनर्स के आए हैं, 50 पार्टनर्स का आपके में नहीं आना। अब यहाँ लिख लो फिक्स्ड कैपिटल होगी तो पहचानो कैसे, कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो करंट अकाउंट बनेगा, मतलब दो अकाउंट बनेंगे। दोबारा सुन लो क्या कहानी है, मैंने पढ़ाया आपको नेचर बेटा कैसा होता है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं लिखा होगा तो फ्लक्चुएटिंग सिर्फ एक अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट। बट अगर नेचर फिक्स्ड होगा तो आपको पता कैसे चलेगी, या तो सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा या सवाल में फिक्स्ड कैपिटल को खुद बताएगा, तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। कैसे बनेगा नेक्स्ट पेज पर जानते हैं। छोटा सा और पॉइंट रह गया 3 से 4 मिनट का, बट क्वेश्चंस कराते समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सब करा रहा हूँ दोबारा। फटाफट चल लो, हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा चार जगह प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट के नीचे। फिक्स्ड होगा दो बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा एक बनेगा। फिक्स्ड होगा तो दो कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, अभी हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं बोला होगा तो फ्लक्चुएटिंग मानना ही मानना है। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट 2 जब कराऊंगा फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा 2 मिनट में, अगर आपको नीड लगती है तो। नेक्स्ट आते हैं, सारा पढ़ चुके हैं हम, कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ रिव्यू करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पढ़ा रहा हूं तो मैं बुक से, 15 मिनट सिर्फ डिस्कशन किया हमने कि हम खुद से कितना सीख सकते हैं। बुक में क्या लिखा, बुक में लिखा बेटा नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली चीज़ थी, यहाँ लिखा होता है बाई पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल तो उठा के यहाँ लाओ, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एग्जांपल दिया, प्रॉफिट होगा तो बटेगा और बटेगा तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा और तब होगा तभी तो आएगा। क्लियर है कहानी, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो इधर आएगा। सर लॉस क्यों, लॉस भी बटेगा बेटा, प्रॉफिट भी बटेगा तो लॉस भी बटेगा, वो अलग बात है। लॉस होगा तो ये सारी बातें नहीं आएंगी, सिर्फ बट जाएगा। वो क्वेश्चंस कराते समय मैंने करा रखा है, अभी कॉन्सेप्ट संभाल कराते समय फिर दोबारा रिवाइज करा दूँगा। अब बात सुनना, क्योंकि भाई साहब बंदे का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सारी बातें अप्रोप्रिएशन वाली आएंगी या चार्ज वाली। सर अप्रोप्रिएशन वाली, और चार्ज कौन सी चीज़ की, रेंट पेड टू अ पार्टनर, नहीं दिखेगा ढूंढ लेना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिखेगा ढूंढ लेना, पर उसके अलावा सब दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट। अब कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो यूँ दोगे ना, यूँ करके दोगे ना, ले पार्टनर यहाँ से प्रॉफिट उठाया, यहाँ से दे दी सैलरी, ले कमीशन, ले रेमुनरेशन, ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व मतलब होता है बेटा वो पैसा जो बचा कर रखते हैं, सारा अगर बांट देंगे हम पार्टनर्स को तो फर्म में भी तो कुछ पैसा रहना चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर कंटीजेंसीज, फॉर वेरियस फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, तो हमारे पास कुछ पैसा रहना चाहिए जनरल रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व क्या होता है, अक्सर ये बताना सिखाऊंगा, इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं हमारे 8-8 मार्क के, इंपॉर्टेंट ऐसे देखने में नहीं लगता इंपॉर्टेंट, क्योंकि आएगा ही नहीं स्टार्टिंग के 50 सवाल तक, तो एक या दो सवालों में आया होगा, मैंने करा रखा है। यहाँ पर बेटा आपको क्या सीखना है कि ये पैसा तो पार्टनर के खातों में जा रहा है और ये पैसा फर्म में ही जा रहा है, खाते में नहीं जा रहा, बट अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे पास ये 3 बिस्किट का प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला एक तू पकड़, एक मैं रख ले रहा हूँ फर्म में, तो मतलब ये दोनों तो इनके कैपिटल अकाउंट में चला गया और ये फर्म में रह गया जनरल रिजर्व। मेरे दोस्त समझ में आ रही है कहानी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये हो गया बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। एक बार फटाफट से अच्छी नज़र से देख लो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो आ तो जाएगा बनाना, बट एग्जैक्टली बुक कैसा दे रही है आपको, प्रॉफिट इधर लॉस इधर, दोनों चीज़ें कभी एक संग नहीं होंगी। मैंने लॉस को रेडमार्क में इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लॉस होता है और बच्चे जल्दबाजी में दर डाल देते हैं, इसलिए रेडमार्क से लिखा है ताकि आपको याद रहे। जो जो चीज़ें रेडमार्क से लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लास 11th में इसका नाम था, शब्द थे, पर ये नहीं पता था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती थी। शायद बेटा यहाँ पर ओनर कितने थे, एक, यहाँ पर ओनर कितने हैं, दो, तो हर वो चीज़ जो पार्टनर से रिलेटेड होगी वो यहाँ आएगी, वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ भी क्रेडिट होती थी, यहाँ भी क्रेडिट होगी। क्लियर है कहानी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी क्लियर है बेटा, यही अकेली चीज़ है जो प्रॉफिट के बाद यहाँ आती है, अदरवाइज कोई चीज़
नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें यहाँ जाती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में एक बात लिखूंगा, सबसे सरल, पर कब, अगर आपको ये सरल लगा, अगर आपका इसका बैलेंस सही आ गया, अगर आपको ये बनाना आ गया, तो इसमें कुछ है नहीं। सुन लो क्या है, बाई बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में वो आप यहाँ डाल दोगे। इसके अलावा देखना एक कैंची कॉन्सेप्ट बोलता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पर छेड़छाड़ी करूँगा मैं, कैंची कॉन्सेप्ट, इसका नाम है इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अगर आपको आ गया तो ये खुद बनाओगे घर बैठ के, तुम आराम से बुक बाद में देखोगे, पहले खुद से बनाओगे। कैसे, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर, इधर का माल इधर करेंगे तो होगा क्या, एक बात बताओ, लॉस इधर आता है क्या कभी? नहीं सर, लॉस तो यहाँ बटेगा तो यहाँ आएगा बाद में देखना। मैं पार्टनर सैलरी से, एक पार्टनर सैलरी से बात कर रहा हूँ, सैलरी जिसको देनी होगी उसी को देंगे, अगर ए को देनी है तो ए को, बी को देनी है तो बी को, सी को देनी है तो सी को, तीनों को देनी है तो तीनों को। कमीशन कहाँ है बेटा, इधर, इधर का माल इधर। रेमुनरेशन इधर का माल इधर, ठीक है। इसमें एक चीज़ कैसे रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कई बार होती है बेटा और तीनों को ही मिलेगी अक्सर। इंटर मतलब इधर का माल इधर, पर जनरल इधर अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में कभी 2, 3, 4, 5 चैप्टर में आएगा, अभी नहीं आएगा। रीज़न क्या, अभी इन्हें दिया नहीं जा रहा है, अभी इन्हें दिया नहीं जा रहा है, ये वो सारी बातें जो इन्हें पैसा दिया जा रहा है जो इनकी कैपिटल बढ़ाएगा। कैपिटल से तो है ही है, इंटरेस्ट में कैपिटल से बढ़ेगी, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बेटा प्रॉफिट जो है ना लास्ट में, ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में जा रहा है। तो ये कैपिटल के बाद करंट क्यों लिखा है बेटा, अभी समझा रहा हूँ। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो सब कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनेगा अभी बताया मैंने, और फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट बनेगा। सारी बातें फिर करंट अकाउंट में जाएंगी, कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। दोबारा से पढ़ो कैची कॉन्सेप्ट में, आपने क्या पढ़ा है, सारा पैसा जो पार्टनर का है वो पार्टनर को दे दिया जाए, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। इधर के माल इधर में क्या लेके आया बेटा, सैलरी रेमुनेशन कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, अगर बच रहा है को बट रहा है तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इधर के माल इधर में बेटा क्या ले, नेट प्रॉफिट नहीं लाना उठा के, ठीक है, वो तो यहाँ बटेगा एंड में, ये वाला नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। इधर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा बस, पर एक बात बताओ इंटरेस्ट किस पर लग रही है, ड्राइंग्स पर, और ड्राइंग्स कहाँ है, ड्राइंग्स कहाँ है, ड्राइंग्स से कैपिटल कम होती है नहीं होती है सर, होती है, तो वो भी यहाँ आएगा। इसको मैंने लिखा है भूलना नहीं, जब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में देखो, ड्राइंग्स को जरूर ढूंढना, ड्राइंग्स को जरूर ढूंढना, ड्राइंग्स को जरूर ढूंढना और यहाँ डाल देना। नेक्स्ट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कब, जब लॉस हो क्वेश्चन में, ये वाला, ये वाला। इधर का माल इधर है, सिंपली समझो इधर का माल इधर, क्या क्या नहीं आ रहा बेटा, जनरल सर अभी नहीं आ रहा, कभी जिंदगी में आएगा देखेंगे आगे। नेट लॉस आने नहीं है इधर, नेट प्रॉफिट इधर आना है, नेट लॉस इधर आना है, और अगर होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संग दहेज में एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज ड्राइंग्स, तो यहाँ नहीं होगी बट क्वेश्चन में होगी। सर आपने बोला इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, पर ड्राइंग्स कहाँ आएंगे बेटा, ड्राइंग्स किससे होती है रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड होती ना, पार्टनर कैपिटल घर से लाया था और ड्राइंग घर पर ले गया, कैपिटल मतलब पैसा लाया और ड्राइंग मतलब पैसा लेकर गया। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करते में अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जरूरत तो नहीं होती बट चार जगह से प्रॉफिट की वजह से हम बना लेते हैं या फिर यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है, दोनों में एक ही फंडा है। चार जगह से प्रॉफिट है तो हर बार कहाँ चीज आएगी, पी एंड एल अकाउंट, अभी भी पेज नंबर 1 पर पढ़ के आए हो तुम, बाई नेट प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, जो भी नेट प्रॉफिट है और उसमें से अगर पार्टनर तो लोन पर इंटरेस्ट नहीं घटी है, रेंट पार्टनर का नहीं घटा, मैनेजर कमीशन नहीं घटा है, तो ये घटा देना। इन्हीं टाइप की चीज़ होंगी, क्या मान के चलो मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, पर उसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं घटा है, तो 20,000 रुपये घटा दूंगा, 10,000 रुपये रेंट घटा दूंगा, मैनेजर कमीशन 5,000 घटा दूंगा, तब जाके 25,000 को प्रॉफिट को मैं यहाँ लेकर जाऊँगा, और अगर घट चुका है तो मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा इफ एनी आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज स्टिल रिमेनिंग गिवन इट मस्ट बी डिडक्टेड फर्स्ट, इफ एनी आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज स्टिल रिमेनिंग गिवन इट मस्ट बी डिडक्टेड फर्स्ट, पहले ये माइनस होगा तब आगे बातें होंगी। नेक्स्ट बेटा बहुत सरल चीज़ है कि सर आपने चीख चीख कर बोला कि फिक्स्ड कैपिटल जब जब होगा दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल एक पार्टनर्स करंट। जो अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया ना, जो भी बनाया ना बेटा, सेम नाम लिख देना बस, काट कर कैपिटल की जगह काट रहा हूँ, लिख रहा हूँ कैपिटल को काट रहा हूँ और करंट अकाउंट लिख रहा हूँ उस पर। कब लिखोगे जब या तो क्वेश्चन में बोले फिक्स्ड कैपिटल है या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दे, इसी से पहचाने कैपिटल क्या है फिक्स्ड। अकाउंट कितने बनेंगे, दो। इस क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें बाई बैलेंस बीडी कभी देता है कभी नहीं देता, मतलब करंट अकाउंट के बैलेंस आने चाहिए, क्योंकि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो बेटा, करंट अकाउंट के बैलेंस आने चाहिए। अगर क्रेडिट में है तो इधर आएगा और डेबिट में तो इधर आएगा, एक नई बात होती है इसलिए रेड पेन से लिख की है। इनके बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट होते हैं, एक मार्क का कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि
कौन सा ऐसा अकाउंट है पार्टनर का जिसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब मैं थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा आपको। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी, अगर क्रेडिट होगा खुद से बोलेगा, नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट मानना है, ठीक है, और डेबिट होगा तो आपको इधर डालना है। इसके बाद देखो इंटरेस्ट कैपिटल वहीं से उठा के आया हूँ, सारी बातें सारा मसाला उठाओ यहाँ से, उठाओ पूरा सब यहाँ डाल दो, उठाओ यहाँ से सब यहाँ डाल दो, उठाओ यहाँ से सब यहाँ डाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सारा मटेरियल यहाँ से भी उठाओ और यहाँ डाल दो। सर फिर दूसरे अकाउंट में क्या बनेगा? जब सारा उठा के कैपिटल को शब्द को काट के आपने करंट अकाउंट लिख दिया तो दूसरे में क्या डालोगे आप? तो दूसरे में बचा हुआ, यहाँ मैंने कौन सा बैलेंस डाला है? करंट अकाउंट का, यहाँ डालूंगा मैं कैपिटल अकाउंट का, जो कि हमेशा क्रेडिट होगा। हमेशा क्रेडिट होगा कब? जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होगा, घर पर पैसा ले जाना मना होगा तो उसका पैसा क्रेडिट होगा। अब मेरी बात समझो, नॉर्मली मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, नॉर्मली जनरली ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं कह सकता पर ज़्यादातर आपको ये ऐसे 20-25, 20-25, 50-25 जो भी लिखना होगा वो यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है। बाई बैलेंस बीटी जैसा लिखोगे ना, 50,000, 40,000, 20,000, 30,000, 10,000, 5,000 ऐसे ही यहाँ लिख देना है। मतलब जितना बाई बैलेंस बीटी होगा उतना टू बैलेंस सीडी होगा, ना तराजू बढ़ेगी ना घटेगी, ना तराजू पर बांट है ना तराजू पर वजन है, तो कैसा तौल करेंगे हम? क्लियर है दोस्त? बट समटाइम्स क्वेश्चन को छेड़ने के लिए, थोड़ा सा मजे के लिए, क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट का दिमाग चेक करने के लिए हम, और फॉर्मेट के अनुसार अगर कोई ऐसी कैपिटल, क्योंकि बेटा सारा सामान तो किसने छीन लिया, इसका करंट अकाउंट ने सब छीन लिया, उन्होंने बोला देखो जितना भी तुम पे सामान है वो यहाँ रख दो, जितना भी यहाँ है सब यहाँ रख दो, तो बेटा इस पर कुछ बचा नहीं। बट अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाएगा, एडिशनल कैपिटल बोल रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल, ऐसा नाम सुना नहीं होगा, 11th में सुना था तुमने बहुत, फर्दर एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, यहाँ पर मोस्टली होगा नहीं, बट अगर होता है जो कि परमानेंट नेचर का होगा, क्वेश्चन खुद बताएगा, एक ऐसा पैसा जो लाए तो लेके नहीं जाना है, एक ऐसा पैसा जो लेकर आए आप तो लेकर नहीं जाना है, ठीक है, तो वो पैसा बेटा यहाँ क्रेडिट होगा, वो यहाँ नहीं जाएगा। ने ऐसी बातें लिख दी है, कोई ऐसा पैसा जो यहां लेकर आए वो लेकर नहीं जाना है, उसको आप यहां नहीं ले जा सकते, यही रहेगा। और कोई ऐसा पैसा जो परमानेंट नेचर, आप घर ले गए, परमानेंट नेचर क्या होता है सर, ले गए अब लेके ही नहीं आ रहे, और इसके लिए शब्द लिखा होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बात समझना, नॉर्मली जितना बैलेंस बीडी होगा उतना बैलेंस सीडी होगा, बस ये दो चीजें कभी छेड़ सकती हैं इसको। अगर कुछ लाए बिजनेस में और अगर कुछ ले गए जो परमानेंट नेचर का है, परमानेंट नेचर का है, परमानेंट नेचर का है, और जो ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल है उसकी वजह से बैलेंस में दिक्कत आएगा, नहीं तो जितने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें किसने छीन ली है बेटा? करंट अकाउंट। नेक्स्ट दो पॉइंट है छोटे छोटे से जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल के समय कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, इस टाइप की चीज़ें नहीं आएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ड्राइंग्स यहाँ आ गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन कराते समय समझाया, अभी और कॉन्सेप्ट है, आज ये वीडियो ख़त्म नहीं है पूरे चैप्टर की, 5 से 6 कॉन्सेप्ट और हैं जिसके जरिए आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, और यही समय है आपको ये सब चीज़ें ग्रैब करने का। आगे आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इस लेवल से पढ़ पाएँ, तो अभी आप 0 लेवल पर पढ़ रहे हैं, मतलब इस बच्चे ने 11th में डेबिट क्रेडिट भी नहीं जाना, उसको भी मैं अकाउंट सिखा दूंगा। क्लियर है दोस्त? बस बने रहना चैनल पर। करंट अकाउंट में बेटा ड्राइंग्स मेड आउट कैपिटल नहीं आएगी, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर आ रही है ना, मैंने दो बातें लिख दी हैं जो कि मैंने यहाँ कर ली थी। कैपिटल अकाउंट बेटा ये नहीं आएगा, बेटा रटना नहीं, कौन सी चीज़ कहानी है, खुद से एनालाइज करना, इसकी सारी चीज़ें किसने छीन ली? करंट अकाउंट ने, तो कैपिटल अकाउंट में बचा ही गया कुछ नहीं। अगर एडिशनल कैपिटल परमानेंट नेचर क्यों आएगा, ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल होगी तो आएगा, फिर करंट अकाउंट में ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी। मतलब सीधी बात है, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलो लास्ट बेटा, करंट अकाउंट के बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है आज तक आपसे, बट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अगर हम कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट में कैपिटल दे रहे हैं और वो करंट अकाउंट में जा रही है, तो करंट अकाउंट पर क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहे हैं? कुछ ऐसा कन्फ्यूजन अगर स्टूडेंट के मन में है तो लिख दिया। और इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा, इवन वो करंट अकाउंट में क्रेडिट हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप दे रहे हो ना यहाँ पर, चाहे वहाँ देते थे चाहे यहाँ, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर जाएगा, करंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं जाएगा, और वो क्रेडिट किया जाएगा करंट अकाउंट में। तो इतनी सी बातें, हमारे 30 मिनट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। आई होप वीडियो आपको बहुत मज़ा दे रही होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यार, क्योंकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव करूँगा, अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं तो।
क्लियर है गाइस, मैं अब तक कंसाइज मेरे ना पढ़ाता था, थोड़ा सा कंसाइज इस वीडियो को भी किया है, बट नॉलेज का जो लेवल है वो ऊंचा रखूंगा, ताकि आप 100 out of 100 वाले बने, आप वो 70-80 वाले ना बने। इसी के साथ गाइस, जय हिंद जय भारत, लव टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।